व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोज किचन घी, क्योंकि एक लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोज किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोज किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोज किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कल्याण रेती बंदर पर अवैध रेती माफियाओं का आतंक, शिकायत के बावजूद प्रशासन नहीं कर रहा है कार्रवाई। ट्रैफिक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। खाड़ी कशेली ब्रिज की हो, मुमरा की हो, दीवा की हो या कहीं की भी खाड़ी हो, रेती माफिया जो है हर जगह सक्रिय होते हैं। कल्याण रेती बंदर का भी कुछ ऐसा ही मामला है। मैं आपको दिखा रहे कल्याण रेती बंदर पर किस तरह से रेती माफिया सक्रिय है, वीडियो देख करके आपकी समझ में आएगा। सरकार को करोड़ों का राजस्व का जो है घाटा होता है, राजस्व की चपत लगती है और उसके बावजूद सरकारी विभाग, जिलाधिकारी विभाग है, तहसीलदार विभाग है, मेरी टाइम बोर्ड है, तलाठी, ये सभी विभाग और पुलिस की मिलीभगत, इन वजह से जो है ये रेती माफिया दिन ब दिन अपनी गतिविधियां बढ़ाते चले जाते हैं। यही हाल कल्याण रेती बंदर का भी है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कई जगहों पर बार्जेस लगे हुए और रेती निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय शिवसेना के पदाधिकारी है मुखलिस फकी ने इस संबंध में स्थानीय प्रशासन में कल्याण के तहसीलदार, वहां कल्याण फोर्ट के इंस्पेक्टर, स्थानीय पुलिस, स्थानीय विधायक, जिलाधिकारी, इन सबको जो है लिखित शिकायत की कि सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाने वाले इन रेती माफियाओं के खिलाफ, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले, खाड़ी में जो है उथल पुथल मचा करके खाड़ी की दिशा बदलने वाले, खाड़ी की खदखाल बदलने वाले इन तमाम रेती माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। मगर स्थानीय स्तर पर की गई इन शिकायतों के चलते प्रशासन के इन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिरकार मुखलिस फकी ने फिर एक बार राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तमाम उच्च पदस्थ अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की है। देखते हैं अब उनकी शिकायत के चलते ऊपरी स्तर से निचले स्तर पर क्या आदेश आते हैं और क्या कल्याण रेती बंदर के इन रेती माफियाओं पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है।